दास जी ने, सतगुरु ज्ञान दास जी ने जो आश्रम खड़ा किया अपने शिष्यों की मदद से खड़ा किया, अपने पैरोकारों की मदद से खड़ा किया। जिस तीर्थ की आज हम बात करते हैं वो तीर्थ बीजेपी और अकाली दल ने समाज को दिया, लेकिन समाज के लोग उन पर व्यापार कर रहे हैं, उस पर भी पाबंदी महाराजा आपको लगानी पड़ेगी, उस पर भी संतों को आगे आना पड़ेगा जो व्यापार करते हैं तीर्थ का। तीर्थ बनाया बादल ने, दूसरे शहरों में जाकर कहते हैं कि तीर्थ हमने बनवाया। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और दो मिनटों में समाप्त करूंगा कि भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, दुनिया का प्रथम महाकाव्य है, उसका जो प्रथम श्लोक है, मां निषाद पृष्ठा तम सरस्वती समा यत् क्रौंच मित्रों देकम पति कामू। ये श्लोक वाराणसी के पत्थर पर लिखा हुआ है, स्मारक पर लिखा हुआ है। वहां एक यूरोप से आते हैं फादर कामल बुल्के, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कि पूरे भारत को मैंने ईसाई बना दिया। वो श्लोक पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, प्रोफेसर को बुलाते हैं, प्रोफेसर उसका अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं मैं तो इससे आनंदित हो गया, बहुत अच्छा ये श्लोक, ये तो हमारी बाइबिल में ही नहीं है, ऐसा अर्थ तो बाइबिल में नहीं है जो इसका इतनी कुर्ण इस श्लोक में। तो उन्होंने रामायण पढ़ी, समझ में नहीं आई, वापस कर दी। प्रोफेसर साहब कहने लगे कि फादर साहब क्या बात, आपको रामायण समझ में नहीं आई। तो फादर साहब ने क्या कहा, ये सुनने वाली बात है, कहते ये जो मैंने पढ़ा है ये संस्कृत का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद है। अंग्रेजी के शब्द 26 होते हैं, संस्कृत के शब्द 52 होते हैं, इसमें जो अर्थ भी आता है क्या ग्रहण करूंगा छोड़ू। तो फादर कामल बुल्के ने भारत में रहकर हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, जब तक भारत में रहे भगवान वाल्मीकि जी की रामायण का प्रचार करते हैं। सवाल ये खड़ा हो गया धर्म संसद में, क्या कि साई तो वाल्मीकि महाराज का प्रचार कर रहा है, भी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भैया, तुमने रामायण पढ़ी नहीं, योग विशिष्ट पढ़ा नहीं, धर्म बढ़ाने के लिए चल पड़े और संगठन बढ़ाने के लिए चल पड़े, वाल्मीकि नाम से रिजर्वेशन लेने के लिए चल पड़े। मैं आपको एक बात की बताता हूँ, एक सच्चाई बताता हूँ, जब तक वाल्मीकि समाज में संस्कार नहीं आएंगे, संस्कार आएंगे रामायण से, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। ये विषय गलत है, ये विषय गलत है, ठीक है, ठीक है, तो है। नो, धर्म संसद बनाई है, अगर हमको बनाया है धर्म संसद में तो हम धर्म पर बात करेंगे महाराज, हम राजनीति करने नहीं आए, ना मुझे राजनीति चाहिए, मैं तो धर्म की बात करता हूँ। अगर धर्म सीखना है तो रामायण पढ़नी पड़ेगी, जो उसे पढ़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा आपने लिखा हुआ है इसमें प्रोग्राम पर। और दूसरी बात, मैं एक बात कहानी बताता हूँ, महाराज कहते डंबाना ले जाओ, शॉर्ट में लेकर जा रहा हूँ। मैं एक प्रोग्राम में गया, वहां 10,000 संत बैठे थे, एक संत ने बोला कि दलित मंदिर में नहीं आ सकते, दलित मंदिर में नहीं आ सकते, उस पर पाबंदी है, दलितों के लिए मंदिर के द्वार बंद है। मुझे मोहल्ले का समय मिला तो मैंने कहा कि महाराज दलित मंदिरों में नहीं जाते, दलित मंदिरों में नहीं जाते, माता शबरी ने जैसी तपस्वी दलितों में पैदा हुई, श्री राम जैसे मंदिर स्वयं चल के दलितों के पास आए थे, दलित मंदिरों में नहीं जाते। शबरी जैसी माता तपस्वी हुई है वाल्मीकियों में, वो दलित मंदिरों में नहीं गई, स्वयं मंदिर चल के दलितों के पास आते हैं। अभी अभी एक शंकराचार्य जी से बात हुई, वासुदेवानंद शास्त्री से बात हुई, वो कहते हैं कि मंदिर वाल्मीकि के तो मंदिर ही नहीं बन सकते, वाल्मीकि भगवान के तो मंदिर ही नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ये कैसी बात करती भैया तुमने, वाल्मीकि भगवान के मंदिर नहीं बनते, वो वाल्मीकि, बताता हूँ वाल्मीकि कौन है। मैंने कहा वाल्मीकि भगवान वो है जब सूरज
मेष राशि में था, मकर मंगल मकर राशि में था और शनि तुला राशि में था, शुक्र चंद्र मीन राशि में था और गुरु कर्क राशि में था। जब पांच ग्रह उच्च के थे तब राम का जन्म हुआ। ये बात तुम्हारे पुरखों ने कहां से बता दी? ये हमारे बाप ने वाल्मीकि भगवान ने बोल वाल्मीकि भगवान की, ये हमारे बाप भगवान वाल्मीकि ने बताई है। अगर ये बोर्ड ना बताए होते आज तुम्हारा ये राम मंदिर ही ना बनता। राम मंदिर में अगर पेश हुई है तो वाल्मीकि रामायण पेश हुई है, साक्षात पेश हुए हैं तो वाल्मीकि रामायण के पेश हुए हैं। तो मैं कहीं उनसे निवेदन करता हूँ, पूरे भारत के भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ, अयोध्या में भगवान वाल्मीकि का मंदिर राम मंदिर से पहले भव्य बनना चाहिए और वाल्मीकि समाज को आह्वान करता हूँ मैं कि 50 पुजारी मुझे दो, मैं बाल हिंदुओं के मंदिरों में आपको उसको जगह लगवाऊं, फिट करवाऊं। मेरे पास मैसेज आया अयोध्या से कि हम एक पुजारी दो, हम आने वाले समय में अयोध्या में वाल्मीकि जाति का पुजारी। जब आप अपनी करनी और कथी ऊंची कर लेंगी तो समाज झुकेगा, समाज को झुकाने वाले चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।